नमस्कार, मंच न्यूज में आपका स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं आज वरिष्ठ पत्रकार और हमारे मार्गदर्शक डीएलए के प्रभारी भी हैं आप, चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार जी। आज हम चर्चा करेंगे चुनावी चर्चा, जैसे कि आप पहले भी आप हमारी चुनावी चर्चा सुन चुके हैं। और चुनावी चर्चा में इस बार एक नया सब्जेक्ट में लेकर आया हूँ आपके लिए, नई बात लेकर आया हूँ कि आज कल यानी रविवार को होने हैं मतदान और आज की रात कही जा रही है कत्ल की रात। आखिर ये कत्ल की रात क्या है, किसका कौन किसका कत्ल कर रहा है, ये तो बताएं। बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। दरअसल कत्ल की रात एक आम वर्ड है, जो भी चुनाव होते हैं चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। आज की रात इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो डिसाइड करता है आज की रात कि हमको कल किसको वोट देना है। यानी लगभग जो मैं मान के चल रहा हूँ तो 15-20% ऐसा वोटर होता है जो तय नहीं कर पाता एक दिन पहले तक कि हमको किसको वोट देना है। आज की रात वो तय करेगा, अपने परिवार के लोगों से कहेगा, अपनी बेटे बेटे की बहू और जो घर का मुखिया होता है, और डिस्कस भी करते हैं। तो वो इस तरीके से वो एक तो ये बात कत्ल की रात का आशय ये भी है कि जो कैंडिडेट हैं वो पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि वोट का रुझान हमारी तरफ रहे। दूसरी बात, अब आज के समय में वोट केवल मांगने से नहीं है, वोट के लिए बड़े प्रलोभन देने पड़ते हैं और उनको बहुत सारी गिफ्ट और बहुत सारी चीजें देते हैं। किसी की रात दी जाती है, ज्यादातर दी जाती है और बड़े गुमसुम तरीके से दी जाती है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इस बार भी जबरदस्त पैसा बटा है, जबरदस्त शराब बटी है, और ये सभी चीजें जो है सामान्य बातें हैं, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, हमने खुद गांवों में देखा है। बिल्कुल ऐसी स्थितियां बनती हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे परिवार में भी प्रधानी रही है तो हम सब चीजों को जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों से ये जो रात होती है इस पे बहुत बड़ा वोट बैंक निर्भर रहता है, इसीलिए इसको कत्ल की रात बोला जाता है। एक आम तो कत्ल की रात ये जो है वोटरों के लिए होती है या प्रत्याशियों के लिए होती है, लेकिन क्योंकि सुनने में आता है कि प्रत्याशियों को इस समय नींद नहीं आती है। बिल्कुल, तमाम जुगाड़ लग रहते हैं कैसे कल का क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैनेज करें। जो चुनाव लड़ता है और जो चुनाव लड़ने वाले के जो कट्टर समर्थक होते हैं उनके दिल से पूछिए क्या गुजरती है। नींद नहीं आती है, एक एक वोट पर नजर रहती है, तमाम तरह की उनके पास सूचना आती है कि कौन वोट नहीं दे रहा है, फला आदमी टूट गया। इतना टेंशन, इतनी जबरदस्त तरीके से जो लॉबिंग और वो सब करनी पड़ती है, फला आदमी पर लूट भी गया। दूसरी बात, जो चुनाव के दौरान जो अपने साथ चल रहे हैं उन पर भी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें भितरघात करने वाले हैं। आपके साथ कैंडिडेट है और चुनाव है 20 लोग चल रहे हैं, तो 20 में से 5 लोग तो ऐसे होंगे जो दूसरों को सूचना देंगे, जो वोट दूसरे को देंगे लेकिन आपके हमदर्दी बनेंगे। ये होता है चुनाव में। अच्छा, हमदर्द बनकर रहेंगे, वोट वहां डालेंगे दूसरे, इसमें भी उनका कुछ अपना लाभ होता है, उसमें प्रलोभन से आ जाते हैं। और कुछ लोग बड़े प्लानिंग तरीके से चुनाव में हर तरह हथकंडे बनाए जाते हैं। जैसे मेरा कोई समर्थक है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो वो मैंने जो दूसरे कैंडिडेट के साथ लगा दिया और उसको वो विश्वास को लेकर के सारी चीजें मेरे पास भेज रहा है। अच्छा, शराब भी परोस जाती है, हमने देखा है शराब भी परोस रहे हैं और सब अपना अपना। अभी देखिए चुनाव का जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ है, बल्कि उससे पहले से भी इतनी हाईवे पर NH2 पर यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां पकड़ी गई हैं शराब की, वो सब चुनाव के लिए आ रही थी। लेकिन अभी तक पता नहीं लगा कि वो किसके चुनाव के लिए आ रही थी। देखिए ताजुब वाली बात कि ये आज तक पता भी नहीं लगा पाई है पुलिस कि शराब जो पकड़ी गई है ये कहाँ का पानी ले जाई जा रही थी, तो पता नहीं कौन प्रत्याशी था। प्रत्याशी के लिए नहीं, वो तो अड्डे होते हैं, वहां से उनका एक चैनल है और उसके जरिए से वो शराब बढ़ती है, बढ़ती है। और रही बात इसकी, मतलब शराब माफी सक्रिय रहते हैं, जो शराब पकड़ती है पुलिस मुश्किल से, मुश्किल मैं समझता हूँ 5% भी नहीं पकड़ पाती, 95% तो हरियाणा से वो शराब आती है और ट्रकों में दूसरे माल के अंदर छुपा कर बाहर ले जाई जाती है। क्योंकि मथुरा दिल्ली के बाद पहला ऐसा बड़ा शहर है यहाँ होकर के NH2 है और यमुना एक्सप्रेस वे पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत के लिए जाता है यहाँ से वाहन, उसमें छुपा के ले जाई जाती है, पकड़ी नहीं जाती है। सुबह से लेके शाम तक करोड़ों रुपए की शराब सप्लाई होती है मथुरा होकर के। कत्ल की रात का एक मायने शायद मेरे समझ में आया कि बहुत से लोग अपने समाज को लेकर ठेकेदारी करना शुरू कर देते हैं, वो ठेकेदारी ले भी लेते हैं। कत्ल की रात शायद ऐसा भी होता होगा कि वो ऐसा जो ठेकेदार बनने थे और रातों रात किसी और के जाकर बैठ गए। बिल्कुल सही बात, यही है, चुनाव में ऐसा ही होता है। ऐसा होता है कि मैं कैंडिडेट हूँ और मैंने जो है ठेका दे दिया कि आप जो है इन 20 घरों को आप साधिए और 20 घरों में आप इतना पैसा लीजिए। अब उसने कुछ जेब में रखा, कुछ उनको बांटा, कुछ शराब बांटी, कुछ अपना जो अपने यूज में, तो ऐसा होता है। ये सभी चीज़ें जो है ठेकेदार हो जाते हैं और खुद ठेकेदार के लिए
पता करने की जरूरत नहीं होती, खुद ही चल करके आ जाते हैं कैंडिडेट के पास। अब कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट बेचारा क्या करे, उसकी उंगली सभी दबी हुई है। एक उंगली दबी है जैसे कहावत है ना, एक नहीं उसकी तो दसों उंगली दबी होती है, बेचारा क्या करे, वो जैसा है वैसे घूमता है, उसके फोन आ रहा है तो वहीं भाग रहा है और कुछ देखता ही नहीं है, वो तो पैसा खर्च करने। लेकिन कुल मिला के लब्बू लोग बात जो निकल कर आई, अगर कत्ल की रात वाली बात आई तो उसमें बात हो रहा है कि इस तरीके से जो आपने बताया कि ठेकेदार बन जाते हैं और उस तरीके से वोट को खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता वोट की चोट देती है, वोट की चोट बड़ी गहरी होती है जिसे 5 साल तक कोई प्रत्याशी भुला नहीं सकता। क्या कहेंगे इस बारे में आप हमारे दर्शकों से? बिल्कुल, जनता बहुत सारे लोग हैं जो प्रलोभन में नहीं आते हैं, आप जो है उनको तरह तरह के प्रलोभन भी बहुत सारे कैंडिडेट देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उस प्रलोभन के जरिए से वोट देते हैं। बहुत सारे लोगों की अंतरात्मा जो बोलती है उसी के अनुसार वोट देते हैं और उसी के अनुसार चुनते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कत्ल की रात वोटों का कत्ल होता है एक तरीके से, जो महसूस होता है जो इस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि वोटों का कत्ल का आशय ये नहीं के किसी का मर्डर कर रहे हैं, कत्ल की रात का वोटों से कत्ल किया जाता है, वोटों से कत्ल किया जाता है, वो दूसरे के जो वोट हैं उनको अपने में लिया जाता है और पूरी रात रखवाली होती है, रखवाली होती है, क्योंकि अब जो कैंपेन किया है उसको अपना वोट बैंक बना लिया, अब पता चले कि एक रात में ही वोट जो है झपट्टा दूसरे ने मार दिया तो उसकी रखवाली भी होती है, ये वोटों का एक कत्ल का। लेकिन आप वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटरों को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे, भाई आप लोग जो है किसी के प्रलोभन में बताइए, किसी के बातों में बताइए, आपकी अंतरात्मा जो बोले आपको जो अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, और ये तो क्षणिक चीज़ें हैं, इनसे कोई पेट थोड़ी भरता है कि कोई थोड़ा बहुत कोई पैसा ले रहा है या कोई शराब, इन सब चीज़ों से काफ़ी। और यदि वो ऐसा कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो आपको खरीद रहा है, आपको खरीदा है, लेकिन आप दिल की आवाज़। फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती किसी को अप्लाई हो रहे हैं तब भी आप अंतरात्मा के अनुसार वोट दीजिए, हम तो यही कहेंगे लोगों से। तो मंच न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को सभी कहेंगे, सभी दर्शकों को यही कहेंगे कि वोट की चोट दें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और सही मतदान करें और आप सही अपने प्रत्याशी को चुने। मंच न्यूज के लिए हेमंत शर्मा आपके साथ।